तो भाई अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये जो सिंक है ना हमारे नॉर्मल लगा हुआ है 10-12 साल पहले जब किचन में थी, 12 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो उस टाइम ये जो है लगा था ठीक है, तो ये पहले चलते थे मशीन प्रेस वाले, अब जो है वो डबल वाले चल रहे हैं ठीक है, जिसमें पार्टीशन होता है डबल बड़े वाले जो है सिंक चल रहे हैं, तो उसमें हुआ गया जैसे पीछे लगाया हुआ है गलत भी लगाया हुआ है, तो ये यहाँ से इसकी सीध में जो है ऐसे यहाँ से लेके और यहाँ तक कहीं जो है वो मतलब कटेगा और यहाँ से ऐसे लग जाएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया इस तरीके से जो फिट हो जाएगा, तो वो भी मैं लेके आता हूँ, सिंक लेने जो है मैं जा रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी कटिंग वगैरह होगी उसके बाद उसको फिट कराएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा लगता है फिर भी जो लुक आती है, और मे भी शायद ये भी मिक्सचर वगैरह भी जो है चेंज करवाएंगे, जो टैप्स जो होती हैं ये भी थोड़ी मॉडर्न तरीके की लगवाएंगे इसमें सारा कुछ, हमें ना टाइल टूटने का खतरा है, देखते हैं कितना जो है नुकसान होता है टाइल वगैरह में, क्योंकि इस टाइप की मिलेंगी नहीं, पहले लगी हुई थी, और देखते हैं फिर इसका क्या जुगाड़ हो सकता है इसकी जगह, तो अभी वो सब बात चल रही है ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हो कि पत्थर वगैरह तो जो है सारे खड़े हो चुके हैं ठीक है, और यहाँ पे जो ये तोड़वाया था इसलिए तो था, और इसमें मतलब प्लस्तर टाइप भी जो हो चुका है, फिनिशिंग हो गई है इसकी, इसके ऊपर जो बॉक्सेस वगैरह बन जाएंगे, तो वो बाकी सारा मैं डिज़ाइन बताऊँगा आपको, और ये ऊपर का भी निकलेगा भी सारा जो है नए तरीके से बनेगी भी किचन, तो आपको सारा कुछ अपडेट करता रहूँगा ठीक है। तो भाई इतने जो है वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और देखते रहो आगे आने वाले ब्लॉग्स में क्या क्या हो रहा है घर में। तो भाई आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है स्क्वायर शेप में है, हैंडमेड है ये स्टील का लेस, मैंने कोटिंग वाले भी आते लेकिन उसकी कोटिंग जो है कुछ टाइम बाद उतर जाती, तो इसलिए मैंने स्टील का लेस, स्टेनलेस स्टील, और इस तरीके से यहाँ पे फिट हो जाएगा, पीछे एक पट्टी लग जाएगी जो जंग बची हुई पत्थर की ठीक है, तो ये अभी नीचे लग जाएगी, जब फाइनल जो फिनिशिंग हो जाएगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा लगने के बाद ठीक है, अभी टूटेगा पहले उसके बाद जो लगेगा। तो भाई अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पूरा टूट चुका है ठीक है, ये उन्होंने जो पूरा निकाल दी, यहाँ पे एक पीस लगा दिया पत्थर का, इसके यहाँ पे किनारी आएंगी सिंक की, और इसके ऊपर जो ब्लैक वाला पीस जो वो रखा हुआ है उतरा हुआ पहले का वो इसके ऊपर लग जाएगा ठीक है, यहाँ पे भी जो है सारे में जो है जितने भी जगह आपको दिख रही है सीमेंट के ऊपर सारे में जो है ब्लैक वाला पत्थर लगा जाएगा ठीक है, इन्होंने पीस वगैरह तो रखे हुए हैं पूरे ऐसे ऐसे करके जो भी थे पूरे पूरे पीस हैं वो ठीक है, और इस टाइप से जो हमारा सिंक जो है इस पर टिक जाएगा भाई सारे में, यहाँ से जो है सीधा आएगा ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, बढ़िया लगेगा भाई ये कह रहा है, ये रखा हमारा सिंक ठीक है, आपको पहले भी दिखा दिया था, तो यहाँ पर ले जाएगा, फिर इसमें ना टैप वगैरह भी चेंज कराएंगे जो आजकल चलती है ना, वो अगर पॉसिबल हो पाएगा ना इसमें, तो जहाँ पे भी सेंटर आएगा सिंक का वहाँ से बोल से जिसको उसमें से एक मतलब पाइप टाइप निकलता है इधर उधर कहीं भी घुमा सकते हैं उसको, उस टाइप का जो हम लगवाएंगे हो जाता है, तो ठीक है थोड़ी मॉडर्न टाइप जो चीज़ें चल रही है वो कुछ लगवाने की कोशिश करेंगे, तो सबकी चीज़ों की जो मैं आपको कॉस्टिंग वगैरह बताऊँगा, ये जो सिंक है भाई ये जो है मेरे को 4200 का पड़ा है ठीक है, इसमें बहुत सारी क्वालिटी आती है आपको 3000 में भी 3500 में भी 2200 में भी मिल जाएगा, ये जो है हैंडमेड वाला है तो इस वजह से थोड़ा सा महंगा आता है मोस्टली होता है, और इसकी मैंने आपको कॉस्ट बता दी 4200 ठीक है, ये अलग अलग ब्रांड्स का आता है, जितना आप हैवी लोगे या जितना भी जिस हिसाब से लोगे उस सबसे इसकी कॉस्ट जो है कम ज़्यादा होती रहती है, इससे सस्ते भी आते हैं इससे महंगे भी आते हैं, मेरे को ये ठीक लगा काफ़ी हैवी था ये, तो इस वजह से मैंने ये ले लिया ठीक है, ऊपर का भी देखो ये आज सारा जो है निकल चुका है सब खाली हो गया है, अभी जो है पूरे नए तरीके से बनेगा, ये चिमनी का पाइप जा रहा है हमारा ठीक है, तो यहाँ पे जो है सारा काम जो है पूरा जनरेट हो गई, ऊपर जो मेरे ख्याल से वो भी करवाएंगे हम, सीलिंग भी करवाएंगे PVC वगैरह भी सारी, तो सारा काम मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आने वाले ब्लॉग्स में जो आपको सारा काम दिखाऊंगा। तो भाई अभी हम आ गए अपनी बुलेट पे स्टिकर लगवाने, और देख सकते हो आप वाइगरू का जो है लिखा हुआ है पंजाबी में, तो ये वाला मेरे को स्पेशल फ़ोन चाहिए था ठीक है, ये हरमन भी आया साथ में, इसके बोल्ट पे भी करवाना है, तो ये हमारी बोल्ट खड़ी है बाहर, ये रही अपनी स्टैंडर्ड और वो रही क्लासिक वाइट वाली हरमन की ठीक है, तो इन पे जो है आज स्टिकरिंग का काम होना है दोनों पे, हरमन कहता मैं सेम काम करवाना है इसने भी ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा अपना वाइगुरु, अभी उसको निकलवाते हैं, तो वही वाला फ़ोन मेरे को पसंद है, उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं। तो भाई अब देख रहे हो आप जैसे कि ये लगा रहे हैं निकाल के ठीक है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं कैसे लुक आती है ठीक है, ये भाई पता है हम पहले सोचा था कि हम निकलवा के ले जाते हैं और खुद से लगा लेंगे, पर भाई बहुत मुश्किल होता है, तो ये वहीं जाके क्योंकि ना इसमें कटिंग वगैरह करते हैं, अभी ये अपने कटर से जो है निकालेंगे, छोटे छोटे लेटर्स होते हैं बहुत मुश्किल होता है, ये रोज़ का काम होता है इनका, तो ये ईज़िली कर लेते हैं, बाकी हम लोग इसे जो है खुद नहीं लगा सकते, इसलिए हम बोल्ट लेके आए, पहले हम स्कूटी पर गए थे दोनों, तो अभी खुद लगा रहे हैं अपने हिसाब से ठीक है, उस हिसाब से फिर इसके बाद लगाने के बाद जो मैं आपको लुक चेक कराता हूँ ठीक है, और किसी भाई को लगवाना हो तो ये हमने भाई कृष्णनगर शाहदरा के पास पड़ता है अपना,
ठीक है, ईस्ट दिल्ली में, किशन नगर में है ये, जहाँ पे झील वाली मार्केट है ना वहाँ पे, उसके आसपास जो है ये मिलता है। ठीक है, तो आप जो है अगर कोई भाई आसपास रहता है तो वो निकलवा सकता है, अगर कोई पंजाबी हो तो उसको अगर लिखवाना हो तो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से देखो ये कटिंग वटिंग करके पूरा प्रॉपर इसको लगाते हैं। तो भाई ये अपनी जो है फाइनल लुक निकल के आ चुकी है, इस तरीके से जो है स्टिकर लग चुका है। आप देखो, आप ये रीडेबल है और ये नीचे क्रोम है, बस वो शो हो रही है, बाकी कटिंगों के ऊपर ऐसा लिखा गया है, तो बढ़िया है ये, तो ये काफ़ी अच्छी लुक आ रही है इसकी। और ये तो भाई मस्ट होता है हमारे ना हमारी कोम में बहुत ज़रूरी होते हैं। आप ऐसे वाइक लिखवाना बहुत ज़्यादा बुलटों पर चलता है, लेकिन मैंने थोड़ा डिफरेंट फॉन्ट में लिखवाया, मेरे को ये वाला फॉन्ट पसंद है। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। और अभी भाई हरमन की बुलट पर लगने जा रहा है, ठीक है, इसकी बुलट पर भी लग जाएगा यही सेम। और अभी हम जो है यहाँ पे हरमन कहता एक ए के 47 बनवानी है, ठीक है, तो यहाँ पे बनवा रहे इसकी वाइट कलर की बुलेट है, तो यहाँ पे हमने जो है इस पर ब्लैक कलर से बनवाई है, थोड़ी ज़्यादा बड़ी, क्योंकि इसमें जो है कहीं भी स्ट्रिप्स नहीं होती, तो पूरी खुली टंकी है, इस टंकी पे जो है अपना पूरी बड़ी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड पर बनवाई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बाकी ब्लैक कलर से इस पर अच्छी लग रही थी, इस साइज़ की देखो आप, बढ़िया लग रही है ये। अभी आप खुद लोग दिखाते हैं, वो लग जाए तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो कि लग चुकी है। और अब जो है लुक चेक करो कैसी आ रही है, इस पर सूट कर रही है, अच्छी लग रही है, बढ़िया, वाइट पे ब्लैक, ठीक है, बड़ी भी बड़ा साइज़ क्योंकि इस पर स्ट्रिप्स नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी लुक निकल के आ रही है। 50 रुपीज़ की निकाली थी भाई, 50 रुपये लिए थे इसके। तो भाई ये मैंने आपको दिखाया था वाइगरो का स्टिकर जो है यहाँ पे ये लग चुका है हैंडल पे अपना, ये देखो इस तरह की जो लुक आ रही है, चेक करो। और जो ये वाली जो है ये मैंने AK-47 वाला लगवाया था टैंकी पे, तो अपने बुलेट के टैंक पे सही है, मतलब साइज़ मैंने थोड़ा इतना बड़ा नहीं बनवाया उतना जितना भी दूसरे बुलेट पर दिखाया था। अभी बुलेट का टैंक जो अपने बुलेट का टैंक गंदा हो रहा है थोड़ा, धुलेगी ये, तो ये चेक करो आप। ठीक है, ये लगवाया मैंने इतना बड़ा इसी गोल्डन कलर में, ब्लैक पे गोल्डन ही सही लग रहा था। ठीक है, और इस तरह की कुछ अपनी लुक हो चुकी है, धो के आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा प्रॉपर। और क्या स्टिकिंग और की इधर भी है एक, ठीक है, थोड़ा सा ये भी दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सारे स्टिकर्स दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई, अभी फिर हम आ गए हैं थोड़ा सा मॉल में, थोड़ा सा खाने पीने, कुछ एक काम भी था अपना उसको निपटा के, ठीक है, फिर पहुँचते हैं घर। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा मैं, उसमें दिखाऊंगा आपको सारी जो भी है, मतलब बोल्ट अपना चमका के सारा कुछ, उसमें और भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करें हैं छोटे छोटे, ठीक है, काफ़ी अच्छे पसंद आएंगे आपको, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो भाई और घर में जो भी काम का अपडेट होगा वो सारा आपको दूंगा। ठीक है भाई, तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, और तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी भाई नए देख रहे हैं वीडियो, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है भाई, और कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगा, ठीक है, वीडियो में और क्या क्या मेरे को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो सब आप जो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है भाई, तब तक के लिए थैंक यू सो मच भाई, एंड टेक केयर।